नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीणा जनजाति के गोत्र और कुल देवियों के बारे में। मीणा जनजाति में कुल देवियाँ धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक देवी देवता विशेष गोत्र के द्वारा पूजे जाते हैं और प्रत्येक गोत्र की अपनी एक विशेष देवी होती है जिन्हें वे सुरक्षा, समृद्धि और आशीर्वाद के लिए पूजते हैं। इन देवताओं की पूजन दैनिक जीवन के साथ साथ अनुष्ठानों, त्योहारों का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी स्वदेशी जनजाति है। यह राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्से में पाई जाती है। मीणा जनजाति के गोत्र वंश पर आधारित होते हैं, साथ ही ये प्राचीन ऋषि मुनियों से भी जुड़े हैं। गोत्रों की संख्या क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है, लेकिन मीणा जनजाति में लगभग 5,248 गोत्र के आसपास पाए जाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मीणा जनजाति के इतिहास के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे जरूर देखें। अब आगे हम बात कर लेते हैं मीणा जनजाति के गोत्र और उनके कुल देवियों के बारे में। दोस्तों, मीणा जनजाति के नागदा गोत्र की जो कुल देवी है उसे नगेटिया माता कहते हैं। बेड़ावत गोत्र की जो कुल देवी है उन्हें कैला माता कहते हैं, जो कि राजस्थान और चंबल क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। चंदावत गोत्र के लोग चमुंडा माता की पूजा करते हैं और यही इनकी कुल देवी भी हैं, जो कि माता आदि शक्ति का एक प्रतीक है। छोड़ावत गोत्र, इस गोत्र की कुल देवी को सखंबरी माता कहते हैं, जो कि वनस्पति और भोजन की देवी मानी जाती हैं। जागड़ गोत्र, इस गोत्र के जो कुल देवता हैं वो है भैरव, और इस गोत्र के लोग भगवान भैरव की पूजा करते हैं, जो कि भगवान शिव के ही एक रूप के रूप में पूजे जाते हैं। साथ ही इन्हें सुरक्षा के प्रतीक माना जाता है। पिंड रावत गोत्र, इस गोत्र की कुल देवी को माता हिंगलाजनी कहते हैं, अर्थात माता हिंगलाजनी को ये लोग अपनी कुल देवी मानते हैं, जिनकी पूजा राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से की जाती है। राजावत गोत्र के लोग माता दुर्गा को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, जो कि खुद पराशक्ति का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक भी इनको माना जाता है। मेहरा गोत्र के लोग माता कालिका की पूजा करते हैं, माता कालिका जो कि माँ काली का ही एक उग्र रूप है। डूबी गोत्र के लोग गोंगा महाराज की पूजा करते हैं, जो कि सांपों के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सुंदरा गोत्र के लोग जिन माता की पूजा करते हैं, ये राजस्थान की एक प्रमुख देवी हैं और सुंदरा गोत्र की भी कुल देवी हैं। इनकी मंदिर की बात करें तो राजस्थान के सीकर जिले में इनका एक भव्य मंदिर है। मीणा जनजाति के सीरा गोत्र के लोग दंत माता की पूजा करते हैं। दंत माता का मंदिर मांचनगर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। बैफलावत गोत्र की कुल देवी पीली माता है, इनका मंदिर नागल दौसा में स्थित है। जोरवाल गोत्र की कुल देवी ब्राह्मणी माता है, यह सप्त मातृका में से एक है। ब्राह्मणी अर्थात ब्रह्मा की शक्ति, इनकी चार भुजा और चार सिर हैं। बेड़वत गोत्र की जो कुल देवी हैं, उन्हें बाकी माता कहते हैं। इनका जो मंदिर जयपुर जिले में रायसर में देवी ताला नामक स्थान के पहाड़ी पर स्थित है। नाई मीड़ा और काक रोड की कुल देवी नारायणी माता हैं, जिनका मंदिर राजस्थान के अलवर जिले से 14 किलोमीटर दूर सिरका नेशनल पार्क के किनारे में स्थित है। डाडरवाल गोत्र की कुल देवी खुरी माता हैं, इनका मंदिर दौसा जिले में स्थित है। इन देवी की स्थापना 943 वर्ष पूर्व की गई थी। दोस्तों, आदि मीणा गोत्र की कुल देवी गोंदा माता हैं, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। गोंदला माता माता शीतला का ही एक रूप है, जिन्हें आदिवासी गोंदला माता के नाम से पूजते हैं। दोस्तों, ये तो हुई मीणा जनजाति के कुछ गोत्रों की कुछ विशेष देवियाँ। पूरे गोत्र को एक ही वीडियो में कवर करना लगभग नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं कि कुल देवियों का आखिर महत्व क्या है। कुल देवियों के महत्व की अगर बात करें तो कुल देवियों की पूजा से
गोत्र के भीतर सांस्कृतिक एकता निरंतरता बनी रहती है। माना जाता है कि ये देवी देवता कुल के सदस्य की रक्षा करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। कुछ कुलदेवियों के लिए तो त्योहारों में विशेष अनुष्ठान और विशेष पूजा की जाती है। इन देवताओं के सम्मान में कई त्योहार भी मनाए जाते हैं, साथ ही बड़े बड़े मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से देखें तो मीणा जनजाति के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के साथ साथ उनके धार्मिक जीवन में भी कुल देवियों का एक विशेष महत्व है। अब जान लेते हैं गोत्रों का महत्व। दोस्तों, गोत्र का भी अपना एक महत्व है। मीणा जनजाति में गोत्र को लेकर कुछ नियम है, जैसे कि समान गोत्र के लोग कभी आपस में शादी नहीं कर सकते, उन्हें गोत्र के बाहर ही शादी करने के लिए अनुमति होती है। साथ ही समान गोत्र के लोगों की एक विशिष्ट पहचान और एक विशिष्ट समूह भी होता है। दोस्तों, ये थी मीणा जनजाति के गोत्र और उनके कुल देवियों के ऊपर एक संक्षिप्त जानकारी। मीणा जनजाति के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है, आप उसे जरूर देखें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।